जम्मू की हिडन लोकेशन है और तुम चेक कर सकते हैं। चावल ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, वहाँ पे बंदे पे पैर कैसे लगे हुए हैं। इसलिए किसी का पियो नहीं बता सकता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है तुम्हारा मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं अपने सेदड़ा वाले हाईवे से। भाई चेक कर सकते हो। तो आज हम भाई साहब जा रहे हैं आठ नौ लोंडे। कहाँ पे जा रहे हैं मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा। आज हम आठ नौ लोंडे जा रहे हैं कुछ खाने पीने के। आठ नौ नहीं है, छः सात लोंडे होंगे, हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के। तो भाई साहब ये आ रहे हैं हमारे सूक्ष्म भैया। तो सूक्ष्म भैया से पूछते हैं पहले, भाई अपने भाई लोग कहाँ में। मुझे सूक्ष्म भैया जा रहे हैं आगे आगे भाई। तो ये देखो भाई, मोरनी काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग में आ रही है मोरनी। तो अपने लोंडे रोग आ गए हैं भाई पीछे। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, दम मिलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो आज सक्षम भैया हमारे मास्टर शेफ बनने वाले हैं। प्यारी सी डिश खिलाएंगे भाई, जम्मू की फेवरेट राजमा चावल। तो यहाँ से लड्डू पे बढ़ रहे हैं, पानी देख सकते हो भाई, फुल पावर में देसी पानी है यार, असली ओरिजिनल वाला। ये देखो भाई, ये कैंपर भर के ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे गए थे ना, वहाँ पे हमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। लेकिन आज हमने इतना बड़ा कैंपर लाया, 5 लीटर का कैंपर लाया, इसको पूरा भर के ले जाएंगे हम। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, देन प्लेस पे पहुँचते हैं, फिर दिखाते तुम्हें तब तक के लिए एंजॉय। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। तो भाई रास्ता देख सकते हो किस तरह का रास्ता है भाई, बहुत अच्छी लोकेशन आगे जाकर। फिलहाल अभी तो हम निकल रहे हैं यहाँ से राम राम से, चलो चेक कराते हैं तुम्हें सारा का सारा रास्ता। तो भाई साहब ये जम्मू से लगभग मेरे ख्याल से 20-22 किलोमीटर दूर है और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। मतलब शांति वगैरह भाई, शांति चाहिए ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, शांति वगैरह यहाँ पे एक नंबर वाली है। तो चलो फाइनली जब हम लोकेशन पे पहुँचते हैं तो तुम्हें बताते हैं भाई लोकेशन कैसी है कैसी नहीं। बट आज हम बनाने वाले हैं लोकेशन पे जम्मू के फेवरेट डिश राजमा चावल, जो कि हमारे सक्षम भैया बनाएंगे। भाई सक्षम भैया ने प्लान किया था कि इस लोकेशन देखेंगे कोई शांति वाली, वहाँ जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, कुछ बनाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डन करते हैं। तो हमने प्लान डन कर दिया था सैटरडे नाइट को। तो आज सुबह हम यहाँ के लिए आ गए भाई। तो अब चलते हैं आगे आगे, तुम सबको दिखाते हैं लोकेशन कैसी है कैसी नहीं है। तो भाई जिसने यहाँ पे आना होगा भाई कमेंट करना, नीचे बता दूंगा लोकेशन कहाँ है। तो बने रहो ब्लॉग के साथ, ब्लॉग करो, एंजॉय। अभी हम फाइनली हमने एक डेस्टिनेशन चूज की है, हमारे कुणाल भाई ने। कुणाल भाई डेस्टिनेशन कैसी है? किसी का पियो नहीं बता सकता। जम्मू का कोई ब्लॉगर नहीं होगा जो यहाँ पे आया होगा। गुजरों से परमिशन ली है तेरा। सक्षम भैया बताओ फिर क्या चल रहा है अभी? कुछ नहीं, गंडे चल रहा है। पंकज भैया क्या हाल है? थोम ठीक ठाक है। तो भाई आज हम बनाने जा रहे हैं भाई 2 या 3 बजे के करीब। क्या बनाने जा रहे हैं हम? राजमा चावल, वो भी ये वाली जम्मू के स्पेशल शेफ। कौन सी जगह है और कौन सी जगह सक्षम भैया, पहले हमारे ऑडियंस को, हमारी फैमिली को बताओ कौन सी जगह है। ये खुद बताएगी। कौन बताएगा? फैमिली खुद बताएगी। गैस करो भाई, गैस करो ये वाली जगह कौन सी। मैं थोड़ी लोकेशन आगे पीछे से दिखा देता हूँ, तुम्हें समझ आ जाए ये कौन सी जगह है भाई। तो चलो दिखाता हूँ पहले लोकेशन। और ये राजमा हमने सेट दिए हुए हैं रात से, अभी थोड़े गल गए हुए हैं, थोड़े रह गए हैं। ये हमारी चूल्हा आ गई शानदार सी। और हमारे पंकज भैया क्या कर रहे हैं? थोम छिल रहे हैं भाई। तो चलो मैं दिखाता हूँ बाहर से थोड़ा सा लोकेशन कैसी है कैसी नहीं है। लोकेशन देखो कितनी प्यारी है यहाँ पे। जैसे हम अपना थाईलैंड वगैरह जाते हैं ना, वहाँ पे जाके ऐसी लोकेशंस देखते हैं ना, वैसी लोकेशन लग रही है ये वाली। तो भाई ये देखो भाई क्या खूबसूरत जगह है यार, क्या ऑसम जगह है। अभी शाम पड़ेगी ना, आजकल रात मेरे ख्याल से लेट होती है, अंधेरा लेट पड़ता है, सो ये वाली लोकेशन बेटर है। तो चलो वैसे हमारी आग वगैरह जलती है तो उसके बाद तुम सब तक करते हैं बातचीत, तब तक के लिए इन्जॉय करो। हमारा सामान काट रहे वाट रहे हैं, वो देखो तुम इन्जॉय करो। वीडियो गई भाई, बोतलें खुल गई। शिल्पे कौन सी बोतल खुली? बोतल नहीं दिखा रही, बोतल नहीं दिखा रही। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो सब? देखो ये है कोल्ड ड्रिंक लाई अभी हमने, क्योंकि राजमा चावल बनते बनते हो जाएगी हमें रात शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पीते हैं और साथ में इन्होंने चिप्स लाई है ये वाली और ये वाली, ये खाते पीते हैं। अभी लक्ष्मी भैया लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं, आग जलेगी। आग दिखाओ राहुल भैया, इनको आग दिखाओ। आज हम आए पटेडॉम में हमारा ये लोकेशन, किसी को पता नहीं होगी भाई। राहुल भैया पता है किसी की लोकेशन? ये ना 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 वीरे सानू आज आपे पता लग गया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो हमारे पंकज भैया ना कब से एक काम कर रहे हैं, पंकज भैया दिखाना लाड़ी के लिए पहले ही सेवा स्टार्ट है। भाई समझ रहे हो? तो चलो आग शाग जलती है फिर दिखाते हैं, तब तक के लिए एंजॉय करो भाई लोग। ये है वो वाली लोकेशन, हमारे पंकज भैया देखो कैसे नज़ारे ले रहे हैं इस लोकेशन पे। तो भाई भाईजान यहाँ पे लोकेशन। और भाई एक चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे, अगर यहाँ से ये रास्ता है तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, वहाँ पे बंदे पे पैर कैसे लगे हुए हैं। मतलब कि यहाँ से कोई आता जाता है आई थिंक, पर जाता आता कैसे होगा ये समझ नहीं आ रही भाई। देखो भाई जम्मू की हिडन लोकेशन है और तुम चेक कर सकते हो ये हिडन लोकेशन कहाँ पे मिलेगी यार। मंकर भैया किसी को नहीं बताना ये लोकेशन, ठीक है? ये है आपकी खुफिया रिपोर्ट। ये खुफिया जगह है भाई, ये देख सकते हो, ये खुफिया जगह है भाई।
जम्मू में खुफिया जगह है ये देख सकते हो, लोकेशन ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ तुम्हें मैं। ये देखो भाई क्या हिडन लोकेशन है, एक नंबर भाई। भाई देखो एक चल रही है हमारी यहाँ पे पट्टी चल रही है एक, और एक पट्टी हमारे शिल्लू भैया सेपरेट बनाने लगे हैं ये वाली। ये हमारे राहुल भैया, कुणाल भैया, पंकज भैया, सक्षम भैया, शिल्लू भैया और ये लड्डू भैया हमारा भाई फुल पावर में। तो भाई आज का कुछ यूनिक प्लान था और यूनिक तरीके से इंजॉय हो रहा है। ये हमारा यहाँ पे सारा सिस्टम रेडी है, राजमा यानी यहाँ पे राजमा को तड़का लगेगा, उसके बाद यानी वहाँ पे बनेंगे चावल, राजमा चावल और साथ। तो देख सकते हो हमारे सक्षम भैया प्यारे से शेफ है, मास्टर शेफ। अब देखो ये कितना अच्छा लग रहा है मसाला, देखो कितना अच्छा लग रहा है मसाला, बड़ा लहसुन है यार, लड्डू बड़ा अच्छा। गाइस चेक आउट गाइस, ये हमने लहसुन 15 मिनट दी गए और दोनों प्रा काबू नहीं बाबे। भाई ये देखो कीड़े चीरे जा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा तू भी स्ट्रगल कर रहा है। देखो भाई रगड़ पत्ती हो रही है खीरे की, चेक कर सकते हो। ऐसे काटूंगा सिंपल लंबे। तो आ गया भाई सिफ्टी का देसी घी। हमारे लोंडे लोग यहाँ पर कठिया कर रहे हैं बालन, जिसको हम डोगरी में बालन बोलते हैं, डोगरी में हम बोलते हैं बालन और ऐसे बोलते हैं लकड़ियाँ। तो भाई ये लकड़ियाँ कठिया कर रहे हैं यहाँ पर, मैं भी पहुँच गया हूँ भाई इनके साथ। तो वहाँ पर हमने अपनी कैंपिंग का सिस्टम किया, ट्रिप का सिस्टम किया, वहाँ अपने तीन लोंडे लोग हैं, बाकी हम यहाँ पर आ गए हैं जंगल में। देखो भाई क्या लोकेशन है प्यारी सी, चेक 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 करो भाई। कुणाल भैया जगह कैसी है? आगे नहीं यार, आगे खूबसूरत जगह है, उधर जा थोड़ी और आगे जाएंगे मोर भी दिख जाएंगे। रात के रात कोई लभिया नहीं यार, हमने इसी रोड पे देखे हैं ऊपर वाले। हां मोर लभिया थे। तो भाई लोग कैसा लग रहा है? आगे देख, देख लिया मैंने पहले, ये बूटा सूखा ही यार बाबा, ये पूरा पेड़ उतारने के चक्कर में है। तो भाई ये देखो लकड़ियाँ कैरी करके अब निकल रहे हैं पहाड़ की तरफ, जहाँ पे हमने अपनी छोटी सी कैंपिंग की हुई है, खाने पीने के लिए कुछ बना रहे हैं। तो भाई लोग बहुत ही ऑसम जगह है, हिडन प्लेस है भाई, जम्मू में हिडन प्लेस है, देख सकते हो खूबसूरत एक नंबर। अभी थोड़ा सा पानी करते हैं क्रॉस, देन उसके बाद मिलते हैं तुम सबको। ये देख सकते हो पानी क्रॉस करके आ चुके हैं हम यहाँ पर, तो आराम आराम से पहले चलेंगे, राम राम से चलेंगे भाई। ये देखो भाई आ गया भाई, राजमा का कलर देखो कितना प्यारा है। अबे बस हो गया हम, तो भाई हमारे राजमा हो गए तैयार, हमारे सुनील भी लगा रहे हैं रेड़ा मीठा मीठा। देखिए मेरा प्रा यार ये ले भाई, इससे डालना उठ रहा है। तो भाई ये वाली थी हमारी हिडन लोकेशन, चेक आउट दी लोकेशन, क्या मस्त एक नंबर लोकेशन है भाई। ये देखो भाई क्या सुंदर जगह लग रही है, भाई ये आ गया अपना सलाद जो अभी रेडी हो चुका है, बस काटना थोड़ा बता। तो इधर देख चल यार, चल इधर दिखाना, इधर दिखा इधर, और ये तो वहां पे एक बड़ा राम था, वहां से देख रहा हमको बैठा बच्चा, मतलब है कौन है ये? फ्रंट कैमरा टर्न करना पड़ जाएगा, मोर है फ्रंट कैमरा टर्न करना। तो भाई ये देखो चावल अपने रेडी हो गए हैं यहां पे साफ सुथरे, लंगर सेवा शुरू हुई और बासमती आ गई। तो भाई इतना कष्ट करके 12 बजे लगे थे, तो अभी टाइम हो चुका है लगभग 5:30 के करीब टाइम हो चुका है। तो अभी तक भाई राजमा चावल हमारे तैयार हुए हैं अभी फाइनली, क्योंकि हम बिना किसी प्लानिंग के आए थे, सो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज़ ये काम 1.5-2 घंटे का है, इससे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा राजमा को गलने में थोड़ा टाइम लग गया इसलिए। तो चलो रेडी शेडी होते हैं, आपको दिखाते हैं भाई फुल पावर में कितने प्यारे से राजमा चावल बनाए हमारे सक्षम भैया ने, और स्वाद ना एक नंबर है भाई।
तुम सब वीडियो चेक कर सकते हो, बस टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम बता सकते हैं यार क्या टेस्ट है। हमारे सुनील भैया, सुनील भैया व्यू दो थोड़ा सा भाई। ये रहे राजमा चावल, कितने प्यारे लग रहे हैं देखो भाई, क्या सुंदर राजमा चावल लग रहे हैं कसम से, टेस्टी टेस्टी। ये राजमा अपने चावल और ये सलाद अपना, अभी बस खाते पीते हैं फिर उसके बाद खा पीते मिलते हैं। मूली फड़िया पंकज भैया, ये हमारी थाली है। ओ वाह, पीड़ा भी फेल है इसके आगे। हाय 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 भाई, आधा किलो देसी घी डाला है इसमें, आधा किलो। अभी देख सकते हो स्वाद, वो चेक कराता हूं तुम्हें, तब तक के लिए एंजॉय करो वीडियो, बने रहो व्लॉग के साथ, व्लॉग करो एंजॉय, तुम सब करोगे हमारे टाइम लैप्स भाई। खाने पीने के बाद राजमा चावल एक नंबर भाई, थोड़ा पता है, एक बंदे से एक दो बंदे से रिव्यू लेते हैं भाई राजमा चावल कैसे बने थे, तो उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग करेंगे। संडे को हमारी ऐसी वाली ट्रिप ही हुआ करेगी अब आज के बाद, क्योंकि ये वाली ट्रिप मच बेटर थी बाकी ट्रिपों से। तो सबसे पहले हमारे पंकज भी आएंगे। पंकज भैया बताओ राजमा चावल कैसे? बहुत मज़ा आया, मज़ा आ गया। लड़ू भैया बताओ राजमा चावल तो खतरनाक है, पत्याली चाक से हमने हलवाई लाया इतनी दूर से। सक्षम भैया पत्याली चाक, तो भाई एक नंबर था। तो अभी हम निकल रहे हैं बस यहाँ से, अभी थोड़ा फोटोशूट चल रहा है अपने भाइयों का, तो राहुल भैया से सुनते हैं, राहुल भैया क्या बोलते हैं। तो भाई आगे हम सुन लिया, सुन लिया राजमा चावल कैसे बना? मज़ा आ गया, मज़ा एक नंबर। चलो और भैया देना देता मैं हाथी नहीं है, मजाक क्या ये है, मजाक क्या ये भाई? देखो इतनी मेहनत करने के बाद जो बंदा बोले नहीं ऐसे बोलते हैं राजमा चावल भाई। राजमा चावल खाने के बाद ऐसा देखा बंदे को कैसे चढ़ जाता है। तो आज का दिन का ब्लॉग हम यहाँ ही करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग तुम्हें अच्छा लगा होगा। और जिस जिसको ये हिडन लोकेशन नहीं पता है तो भाई मेरे साथ बने रहो, तुम्हें बता दूंगा लोकेशन कहाँ पे है। बट यहाँ पे नेट वगैरह टावर वगैरह नहीं आते हैं, बिल्कुल भी जीरो नेट शेट कुछ नहीं चलता। तो सक्षम भी हमारे तैयारी कर रहे हैं, हम भी निकल रहे हैं हम यहाँ से, देखो सक्षम ने सारा पैक कर दिया। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं कल एक अगले ब्लॉग के साथ, अगले दिन के साथ। सो तब तक के लिए इन्जॉय करो ब्लॉग, बने रहो ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। देन सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। लोकेशन अच्छी लगी होगी कमेंट जरूर करना। बाय बाय।